क्या हुआ, थक गए? मैं थका नहीं। चलो फिर। हम हमेशा ट्रैवल करते हैं, पर आज तक कभी हमने व्लॉग नहीं बनाया, तो अगर व्लॉग बनाएंगे तो ये पहला उसका वीडियो होगा। हाउ आर यू? सो गाइस, हम अभी नीस पहुंच चुके हैं। नीस फ्रांस में एक जगह है, बड़ी कूल सी, समंदर है, बेसिकली हमारा गोवा जैसा है ना, वैसा इन लोगों का गोवा है। वो इंडिया में कैसे ना कि फ्लाइट रुकने से पहले उठ जाते हैं लोग, एयर होस्टेस बोलती है कि कृपया बैठे रहे, यहाँ पे उल्टा बोलना पड़ता है, कृपया उठ जाइए। तो कहीं ना कहीं ऐसा था, हम पहुँचे हैं नीस, देखते हैं आज क्या क्या होगा। सो मैंने देखी कुछ लोगों के व्लॉग्स, उसमें बोलते हैं चलिए मैं आपको बाद में मिलता हूँ, बाय। क्या कह रही थी? भूख लगी है, क्या खाएंगे? जो मिलेगा, इडली सांभर, पिज्जा पता नहीं खाना है, पिज्जा पिज्जा। अरे देखो, वरना तो बेल्जियम में बेल्जियम वॉफल दुनिया भर में खाती रहती, बॉम्बे में बेल्जियम वॉफल खाएगी, अंधेरी में खाएगी, बट जहाँ पे खाना चाहिए, हम बेल्जियम में थे वहाँ पे वॉफल नहीं खाया, वहाँ पे मीठा नहीं खाना मुझे। अरे मेरा मन, इतनी सारी बेल्जियम चॉकलेट खा ली और कितना मीठा खाऊं, मोटी हो जाऊंगी। वुमेन। One eternity later. तो बेसिकली हमको हर बार सबको बचपन से सिखाया जाता है कि जब तक जितना हो सके उतना सेव करो। तो जो हमारी टैक्सी थी, आई थिंक वो 100 यूरोज़ की थी, और यहाँ पे आई थिंक 2 यूरो में काम हो गया, आई थिंक 1.5 यूरो में। तो मतलब कहीं ना कहीं 8,000 रुपये की जगह आई थिंक हमको 160 रुपये लगे। तो दैट्स जस्ट सो अमेजिंग, एंड एक अलग एक्सपीरियंस भी है। यहाँ पे देखिए, मैं और ये लड़की, ये देखो बीवी ऐसी होती है, ध्यान ही नहीं देती एक टाइम के बाद। देखो बाहर वाले कितने अच्छे से ध्यान दे रही, बीवी को कोई लेना देना नहीं मैं ब्लॉग बना रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, ऐसा ही होता है, कोई नहीं। कार्ट रोड लग रहा है ना हमारा, बॉम्बे का कार्ट रोड, मुंबई का कार्ट रोड सुंदर है लेकिन, हाँ सुंदर वर्जन ऑफ कार्ट रोड। हे गाइस, सो हम हैं प्रोमेनाड पे। हेलो अगेन, हेलो। प्रोमेनाड मतलब पता है क्या आपको? ये जो बस चलने का रास्ता है ना, ये जो पीछे तक चलते जाता है और फिर यहाँ तक भी पूरा चल के जाता है, सो दिस इज प्रोमेनाड। एंड हम यहाँ पे बैठे हुए हैं क्योंकि हम थके हुए हैं, चल ही नहीं पा रहे हैं एक्चुअली, हम दोनों के पैर बहुत दुख चुके हैं। एंड इट्स एक्चुअली नाइस, हमें भूख लगी थी तो हम दोनों ना भी पागल हो रखे थे, कुछ सूझ नहीं रहा था, बट हमने उसके बारे में ब्लॉग ही नहीं बनाया है ना, तो हमको भूख लगनी, तो ये भी बनाएंगे कि पहला ही है ब्लॉग, सो वी जस्ट कीपिंग इट वेरी नेचुरल एंड वेरी रियल। ओके, बोलना है नहीं, क्यों? बाय, अब मिलते हैं हम अगले लोकेशन पे। गाइस हम बस में जा रहे हैं, एंड सबसे कमाल की बात है कि हमने टिकट ही नहीं ली है। What did he say? और हम बिना टिकट जा रहे हैं। सो दिशा, बिना टिकट ट्रैवल करते हुए कैसे लग रहा है? बहुत ही डर लग रहा है, कोई अगला स्टेशन हमारा वेटिंग, फटाफट उतर जाए। देखो टिकट लेके तो सब लोग उतरते हैं, हम बिना टिकट जा रहे हैं, कितनी गलत बात है, प्लीज आप ऐसे मत कीजिए, हमें समझ में नहीं आया इसलिए। हाँ एक्चुअली, हाँ हमें समझा नहीं कैसे करना है क्या करना है, मैंने यहाँ पे बाहर से कैसे टिकट लेना पड़ता है, बस में नहीं ले सकते, हम क्रेडिट कार्ड लेके बैठे हैं, तो आप लोग प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा, हमने किया है, गलती हो गई। हाय गाइस, हम व्लॉग बनाना भूल गए थे एक्चुअली, हम खाना खाने आए थे, हम भूल गए ना, आदत नहीं है, नए नए बना रहे हैं व्लॉग, तो आई थिंक हम भूल गए थे, हमने अभी पिज़्ज़ा खाया तो यहाँ पे सब बंद हो गया था, मेरे को पिज़्ज़ा खाने का मूड बिल्कुल नहीं था, बट खा लिया, यही था बाकी सब बंद हो गया था, इसलिए हमने खा लिया। गाइस हमारे सेकंड दिन की शुरुआत हो चुकी है, आज हम फिर से बस में जा रहे हैं, और इस बार हमने टिकट खरीदा है क्योंकि हमारे पास टाइम था और हमें पता चल गया कि कैसे टिकट खरीदना है। आज हम कहाँ जाएंगे? आज हम जाएंगे सबसे पहले ओल्ड टाउन। अच्छा, हम हाँ क्यों रहे इतना, ये तो बताओ। हम बहुत भाग कर रहे हैं ताकि हमारी बस मिस ना हो जाए। या हमने एक्चुअली हम बहुत भागे, एंड फाइनली वी मेड इट। यस दिशा, वो सेइंग कि आगे देखो बट पीछे तो देखो, पहले पीछे लौड़ा के जाएगा तो फिर क्या होगा, बट फाइनली मैं बच गई। अब हम आपको मिलेंगे अगले लोकेशन पे।
फिर से फेक हंसो। एक बहुत अच्छी जगह पे आए हैं, शो यू अराउंड, सी इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। दिशा अपने फोटो खींचने में बिजी है, अभी मैं थोड़ा इरिटेट भी हुआ था दिशा से, और दिशा भी मुझसे इरिटेट हुई थी, बट ये चलता रहता है। सो क्योंकि मुझे भूख लगती है तो मैं बहुत इरिटेट होता हूँ, और बस अभी वेट कर रहे हैं, वी ऑर्डर फॉर सम अमेजिंग ट्रफल, सम सीबास, और अच्छी अच्छी स्वादिष्ट अच्छी अच्छी चीज़ें, ऐसे ऐसे ही बोलना होता है ना व्लॉग में कि अच्छी अच्छी स्वादिष्ट चीज़ें मैंने मंगाई हैं। ये प्यारी सी हमारी वेट्रेस है, से हाय, से हाय। तो गाइस ये हमारा खाना है, सीबास विद सम ग्रीन्स एंड दैट्स ट्रफल, ट्रफल रिसोटो, इज दैट करेक्ट, रैवियोली। हमारा मूड कितना अच्छा है आज। और ये बर्फ निकाल क्यों रही हो, बर्फ खाओगी? हेलो, नहीं बताना मुझे क्यों भाई, मर्जी। ये कमाल है यार, लोग अलग ही नाराज हो रखे होते हैं। थैंक यू, थैंक यू। ये देखो यार, चलो अभी मैं, जब मुझे भूख लगी है तो मैं खाने वाला हूँ, एंड आई विल सी यू आफ्टर अ व्हाइल। चावल के बगैर मजा नहीं आता। पर बताओ क्या खा रहे हैं? ये हमको चावल है जिसमें पायला खा रहे हैं, बट है चावल, क्योंकि हम पिज्जा पास्ता खा के बोर हो गए, और हमने कहा भाई पिज्जा पास्ता मत खिलाइयो, उसके अलावा जो खिलाना खिला। गुड मॉर्निंग गाइस, डे 1-2, डे 3, हम जा रहे हैं नीस से, कहाँ जा रहे हैं, हम पेरिस जा रहे हैं, और हम कॉफ़ी पी रहे हैं सुबह सुबह। और दिशा तुम क्या कर रही हो? मैं पोस्ट कर रही हूँ इंस्टाग्राम पे। 2 इवनिंग्स इन पेरिस हम बनाने के लिए जा रहे हैं, इसके बाद हम कहाँ जाएंगे ये सरप्राइज है। बाय। आप ये सोच रहे होंगे हम क्या कर रहे हैं, ये जो भाई साहब है ना, ये भाई साहब के मुँह से ऐसा बबका है अभी कि हम लोग बेशुद्ध होने वाले थे, बेशुद्ध लाइक अनकॉन्शियस, हम गिरने वाले हैं अभी, तो अगर हमें कुछ हो जाता है तो उसके जिम्मेदार ये आदमी है, ये सफ़ेद बाल वाला, चश्मे देख लो बस, उनको मुँह साफ नहीं करना बाकी चश्मे। मुझे सांस नहीं आ रही है गाइस, मुझे बिल्कुल सांस नहीं आ रही। Hi guys, so हम पहुंच चुके हैं पेरिस, एंड इवनिंग इन पेरिस, वेलकम, बहुत खुश है और एक्साइटेड है। सो वी आर गोइंग टू द आउटलेट मॉल टू शॉप, पहले होटल जाएंगे, फीड आवर सेल्स, भूख लगी है, भूख लगी है, हमेशा भूख लगती है, हम भूखे हैं, और फिर हम जाएंगे शॉपिंग। शॉपिंग एंड पेरिस आके आईफिल नहीं देख रहे हैं, पहले सीधे शॉपिंग करने जा रहे हैं। आईफिल तो देख लेंगे, मतलब आईफिल कहां भागा जा रहा है, आईफिल तो वहीं है, खड़ा ही है, वेट कर रहा है हमारे लिए। बात तो सही है। सो दैट इज दैट, एंड हम रात को कौन से शो जाने वाले हैं? वी गोना वॉच मोलरूज, इट्स अ कैबरे व्हिच इज वेरी फेमस हियर इन पेरिस, तो हम लोग वो देखने वाले हैं। ऑलराइट, अच्छा गाइस मैं आपको पूरी कहानी बताता हूं, अभी हुआ क्या है, हम होटल में आए हैं पेरिस में, और यहाँ पे ना चेक इन जो होता है वो आपको कमरा मिलता है रात को 3, दोपहर को 3 बजे, और अभी बजे हैं 12, तो हम 2-3 घंटे विदाउट रूम क्या करेंगे ना, और ये तो हमारे बैग्स भी यहीं पे ऐसे पड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हमने सोचा कि मैं क्या करूँ, तो दिशा ने बड़ा ट्राई किया, उसने नहीं किया, तो मैंने दिशा को बोला हिंदी में कि अब मैं रोने की एक्टिंग करने वाला हूँ, और उसके सामने मैंने आई नीड टू शूट अ म्यूजिक वीडियो, मैंने ऐसा रोना शुरू किया, एंड इट हैज़ वर्क। अब वो हमें 5 मिनट में कमरा दे रहा है, और दिशा अभी भी यही बोले जा रही है, यू आर अ बैड एक्टर, यू आर अ बैड एक्टर, कह रहे क्या खाक एक्टिंग करती हो तुम जो मैं एक्टिंग करता हूँ, देखो को ये तब नहीं आता है भाई, बट सुनो इसकी वजह से रूम मिला ना, तुमने ट्राई किया, मिला था कि बट मैं तो भाग गई जैसे रोने शुरू किया राहुल ने, आई लेफ्ट, बट मैंने बोला था यार कि देखो ऐसे मत करना, मिल जाएगा, मिला है, सो कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, ओके, आप भी अगली बार कर सकते।